किन्नौर कैलाश से जुड़े अद्भुत रहस्यों, पौराणिक मान्यताओं और आश्चर्यजनक तथ्यों को बतलाएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि किन्नौर कैलाश की यात्रा इतनी कठिन और दुर्गम है कि मनुष्य अपने जीवन काल में इस यात्रा को सिर्फ एक बार ही कर पाने की हिम्मत करता है, और वो भी अगर महादेव की कृपा हुई तो। इस यात्रा को अमरनाथ की यात्रा से भी ज्यादा कठिन माना जाता है। आखिर क्यों है ये यात्रा इतनी दुर्गम, और ऐसी क्या मान्यता है किन्नौर कैलाश की यात्रा की जो हर साल शिव भक्त अपनी जान जोखिम में लिए इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। इन सभी बातों पर आज हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं अद्भुत टीवी इंडिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के बाद किन्नौर कैलाश को ही दूसरा सबसे बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। हिमाचल की सबसे खतरनाक कही जाने वाली किन्नौर कैलाश की यात्रा सावन के महीने में शुरू हो जाती है। वर्ष 2017 में ये यात्रा 1 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि इस यात्रा को अपने जीवन काल में मनुष्य एक बार ही करने की हिम्मत जुटा पाता है। इस स्थान को भगवान शिव का शीतकालीन प्रवास स्थल माना जाता है। इस पर्वत की विशेषता है इसकी एक चोटी पर स्थित प्राकृतिक शिवलिंग। किन्नौर कैलाश की यात्रा आम लोगों के लिए वर्ष 1993 के पहले निषेध था, पर बाद में इसे भक्तजनों के लिए खोल दिया गया, जो 21,330 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां 98 फुट ऊंचे चट्टान को हिंदू धर्म वाले शिवलिंग मानते हैं, लेकिन यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए समान रूप से पूजनीय है। दोनों समुदाय के लोगों की इसमें गहरी आस्था है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। ब्रह्म कमल, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर शिवलिंग पर 100 सोने के कमल चढ़ाने से जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य एक ब्रह्म कमल चढ़ाने से ही मिल जाता है। ये ब्रह्म कमल भगवान शिव को बहुत प्रिय है, और किन्नर कैलाश पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्म कमल के हजार पौधे आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं किन्नौर कैलाश से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं की, कि आखिर किन्नौर कैलाश की यात्रा क्यों की जाती है और क्या है इसकी प्रचलित मान्यता है। कहते हैं कि महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहां भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पशुपाता अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। यह भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। किन्नौर कैलाश को वाणासुर का कैलाश भी कहा जाता है। कहा जाता है कि किन्नौर कैलाश में ही भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ था। यहाँ स्थित शिवलिंग की सबसे चमत्कारी बात तो ये है कि यह शिवलिंग दिन में कई बार रंग बदलता है। सूर्य उदय के पूर्व सफेद, सूर्य उदय होने पर पीला, मध्य काल में यह लाल हो जाता है और फिर क्रमशः पीला सफेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। इस शिवलिंग के इस तरह रंग बदलने के पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। किन्नौर वासी इस शिवलिंग के रंग बदलने को किसी दैविक शक्ति का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ बुद्धिजीवियों का मत है कि यह एक स्फटिकीय रचना है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कोणों में पड़ने के साथ ही रंग बदलती नजर आती है। किन्नौर कैलाश को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहा जाता है और इसे रॉक कैसल के नाम से भी जाना जाता है। यह शिवलिंग की परिक्रमा करना बड़े साहस और जोखिम का कार्य है। कई शिव भक्त जोखिम उठाते हुए यह परिक्रमा पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि किन्नौर कैलाश की यात्रा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रिंगरिक टुगमा में एक बौद्ध मंदिर है। यहाँ लोग मृत आत्माओं की शांति के लिए दीप जलाते हैं। यह मंदिर बौद्ध व हिंदू धर्म का संगम भी है। जो भक्तजन ये कठिन यात्रा करते हैं, वे जंगल व खतरनाक दुर्गम मार्ग से होते हुए किन्नौर कैलाश पहुँचते हैं। किन्नौर कैलाश की यात्रा शुरू करने के लिए भक्तों को जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थित पोवाड़ी से सतलुज नदी को पार कर तंगलिंग गांव से होकर जाना पड़ता है। गणेश पार्क से करीब 500 मीटर की दूरी पर पार्वती कुंड है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें श्रद्धा से सिक्का डाल दिया जाए तो मुरादें पूरी हो जाती है। सभी भक्त इस कुंड में पवित्र स्नान करने के बाद करीब 24 घंटे की कठिन राह पार कर किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं।